भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में हुए धमाके के बाद एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम एवं डॉग स्क्वाड की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में एसआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल के समीप अशोक मंडल उर्फ गुड्डू के दो घरों और उसके बहनोई धनंजय मंडल के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में बारूद, कार्बन कॉपी, चूना, सुतली समेत बम बनाने के कई सामान बरामद किए हैं। तीनों घर में ताला लगा हुआ था और घर के लोग फरार हैं। सीढ़ी और छज्जे के सहारे टीम ने घर में घुसकर विस्फोटक सामग्री बरामद किया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सूचना पर अशोक मंडल उर्फ गुड्डू और धनंजय मंडल के घर पर छापेमारी की गई। दोनों के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। दोनों घर के लोग घर में ताला बंद कर फरार हैं। इन लोगों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। धनंजय का आपराधिक इतिहास रहा है। यहाँ पर काजवली चक में जो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ से हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस पड़ोस में एक गुड्डू मंडल उर्फ अशोक मंडल नाम का व्यक्ति भी ये काम करता है और उसके यहाँ पे भी पटाखे बनाने का सामान और बारूद रखा हुआ है। तो अभी उसके यहाँ तलाशी हुई है। उसका बहनोई का यहाँ बगल में घर है, उसके यहाँ भी तलाशी हुई है। तो दोनों जगह पर पटाखे बनाने का बारूद और अन्य सामग्री मिली है। घर पर सब लोग फरार हैं ताला मार के, तो इसमें ये सूचना सही निकली है और यहाँ से बरामदगी के आधार पर इनके खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कराई जाएगी। कितने घरों में छापेमारी की गई? दो घरों में यहाँ पर अभी तलाशी हुई है, टीम ने दो घरों में बरामदगी की है। कौन नाम के हैं उनका? मेन इसमें गुड्डू मंडल उर्फ अशोक मंडल है। इसके पिता गयानंद पहले काफ़ी पुराने टाइम में पटाखा निर्माण करने के पास लाइसेंस था, जिनकी डेथ हो गई थी 2008 में, बताया जा रहा है कि डेथ हुई थी एक्सप्लोजन में ही। और इनका एक यहाँ बहनोई रहता है, उसके यहाँ पे भी तलाशी हुई है। आपराधिक हिस्ट्री भी है क्या गुड्डू का? आपराधिक हिस्ट्री पता लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो बहनोई है उसकी आपराधिक हिस्ट्री है, उसको पहले से भी केस में नाम है। हिरासत में कितने लोग हैं अभी? हिरासत में तो नहीं मिला है यहाँ कोई, क्योंकि सब लोग घर से भागे हुए थे पहले से ही। सर अभी और अन्य जगह छापेमारी की जाएगी? जैसे जैसे सूचना आएगी, जहाँ जहाँ की भी सूचना आएगी वहाँ सब कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर कि इसका जो है पुलिस की जो कदम है वो सफलता की ओर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी? अभी इस मामले में जितने भी जो भी नेटवर्क है यहाँ माल सप्लाई करने वाला, या फिर आगे जहाँ ये लोग बना के देते हैं, या फिर शहर में अगर और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ अवैध रूप से पटाखा बनाते हैं, ऐसे सब लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें जिला पुलिस के साथ में BDS की टीम लगी हुई है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है। तो बाहर से ना।